दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना, भले वोट न इनके पास है न उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है तो नीतीश जी दुखी हैं, तो ये सभी दुखी और घोटाले से बचने वाले प्राणियों का गठबंधन है। 24 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 3/4 बहुमत जीतने के साथ ही यह गठबंधन समाप्त हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, 2024 ही चुनावी साल है, सियासी हलचलें जो हैं चुनाव को लेकर वो बढ़ गई हैं, बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, छोटी से छोटी चीज़ को तूल दे दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव जो है वो इसी साल है जिसको लेकर के तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं वो एक्टिव हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कुछ तय नहीं हो पा रहा है, जिस पर बीजेपी जो है वो कमेंट कर रही है और कह रही है कि इन लोग का ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनना, गठबंधन में जो भी है वो सोच रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर के हम लोगों ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से जब सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आप पहले वो सुनिए। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना, भले वोट न इनके पास है न उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है तो नीतीश जी दुखी हैं, तो ये सभी दुखी और घोटाले से बचने वाले प्राणियों का गठबंधन है। 24 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 3/4 बहुमत जीतने के साथ ही यह गठबंधन समाप्त हो जाएगा। सर, मोदी जी की रैलियों को लेकर के गठबंधन ने कहा है कि जनता जो है बिहार की वो उनसे हिसाब लेगी कि 10 साल के जो वादे थे उन्होंने कितने वादे पूरे किए। बिल्कुल, जनता जरूर यह जानती है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है वह माननीय मोदी जी के द्वारा मिल रहा है। 1,60,000 प्रधानमंत्री आवास की राशि को बिहार सरकार ने लौटा दिया है, वो सारे 1,60,000 गरीब नीतीश कुमार से हर हालत में बदला लेंगे। जो भी केंद्र की सुविधाएं मिल रही हैं वह सब जनता अच्छे से जानती है। मैं लगातार विकसित भारत यात्रा में था और यह सारी सुविधाओं के कारण मोदी जी को बहुत ही ज्यादा बहुमत से और बिहार के सभी सीटों पर बिहार की जनता जिताने जा रही है। सर, कहा जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ बिहार में बड़ा होगा, नया होगा, क्या आपको भी लगता है कुछ नया होगा? ना कुछ बड़ा होगा ना कुछ नया होगा, सभी दुखी दल एक दूसरे पर तीर चलाएंगे पर सभी के तरकश खाली हैं। सर, जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र, उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि को लेकर के जो न्योता दिया जा रहा है, कोई बेटा का शादी है जो बीजेपी वाले लोग न्योता दे रहे हैं, हम लोग ऐसे भी राम जन्मभूमि पे जाएंगे। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पूरे समाज को, पूरे इलाके को जरूर बुलाया जाता है और अच्छे से सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। भगवान श्री राम जो हैं वह पूरे देश के मर्यादा के प्रतीक हैं। यह 496 साल का संघर्ष और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद आज पुनः भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और सभी इसमें आमंत्रित हैं। के पाठक यहाँ पर मुस्तक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा इन दिनों? और डॉक्टर से भी उधर जा रहे हैं, उनका राज्यपाल से भी पिछले दफे देखा गया था। अच्छे व्यक्ति कभी कभी जरूरत से ज़्यादा गड़बड़ी करने लगते हैं। मैं यह के पाठक जी का इंटेंशन जो भी हो पर उनके शब्द उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जी, देखा जाए नीतीश कुमार की तो वो मुखिया लोग से मिल रहे हैं, जो आशा कार्यकर्ता थे ये तमाम लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, क्या फंडा चल रहा है नीतीश कुमार का? और 1.5 साल से सभी मुखिया का पैसा बंद किया है। कृपया कर जो पैसे केंद्र सरकार के आए हैं उसका सूद खाने के बदले उन मुखियों को राशि दे जिससे कि गाँवों में विकास हो सके। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना शेयर नहीं देने के कारण 1,60,000 घरों के पैसों को लौटा दिया गया है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के से पुनः यहाँ पे बनवाएं। और जब कोई भी चीज़ अपने हाथ से जाती है तो हर लोग एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि रिकॉन्सिलेशन, बेचारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन वार्ड के सदस्यों का सारा पैसा छीन करके ललित यादव जी के पॉकेट में डाल दिया गया जल नल योजना में, कि या कोई वार्ड का एक नल भी खराब होगा तो वह पटना आकर के महागठबंधन के राजद के मंत्री के पास मिलेगा कि मेरा नल खराब है, तो पटना से राशि उस बेचारे के नल को ठीक करने जाएगी। सही बात यह है
केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार को बढ़ावा नीतीश कुमार दे रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, सबकी ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बने, जो कि पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो रैलियाँ हैं वो बिहार में होने वाली है और आवाम जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वैसा काम कोई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ केंद्र की जो योजनाएँ हैं वो नीतीश कुमार ने ठप की हुई है, कोई भी योजना ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसको लेकर के राज्य सरकार पर काफ़ी बड़ा सवाल किया है संजय जायसवाल ने। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं जो आती है राज्य के लिए वो नीतीश कुमार आवाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।